सो हेलो एवरीवन, ये है GTL के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। तो आगे यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि शेयर के रिजल्ट जो है यहाँ पर कैसे देखने को मिले हैं, और जो भी आपको यहाँ पर नंबर्स देखने को मिलेंगे वो लाख में होंगे। तो शुरुआत करते हैं टोटल इनकम से। ईयरली बेसिस में इनकम जो है 4662.93 लाख थी, जो क्वार्टरली बेसिस में 4606.38 लाख यहाँ पर हो गई है। क्वार्टरली बेसिस में शेयर की इनकम जो है यहाँ पर वो डिक्रीज हुई है। अब टोटल एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस में 4707 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 4224 लाख यहाँ पर हो गया है। इनकम के साथ साथ एक्सपेंस भी जो है यहाँ पर शेयर के डिक्रीज हुए हैं। आगे हम बात करें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, तो वो ईयरली बेसिस में 88.43 लाख है, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है। अब जो है क्वार्टरली बेसिस में 298.80 लाख यहाँ पर हो गया है। इनकम यहाँ पर डिक्रीज हुई है, एक्सपेंस बढ़े हैं, प्रॉफिट लेकिन इंक्रीज हुए हैं। अर्निंग पर शेयर जो है ईयरली बेसिस में 0.3 पैसे है, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है। अब जो है क्वार्टरली बेसिस में 24 पैसे यहाँ पर हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट यहाँ पर जो है ठीक देखने को मिले हैं। प्राइस लेवल की बात करें तो 17 रुपये जो है शेयर का मैक्सिमम टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। होल्ड करके रखना चाहे तो आप इस शेयर को यहाँ पर जो है अपनी ओन रिस्क में लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी शेयर के आपको जो है रिटर्न्स और रिजल्ट दोनों ही अच्छे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।